नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच थेरेपी कानपुर में आपका स्वागत है। मैं भगवंत अनमोल। मेरे पास में कई ऐसे बच्चे आते हैं जो बोलते हैं कि अगर वो स्पीच में बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे वो कहेंगे। तो सबसे बड़ा कामयाबी में कोई भी व्यवधान है तो वो है लोग क्या कहेंगे। कहा भी जाता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो आप जब इससे पार पा जाएंगे तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस पर आज मैं एक आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि एक बड़ा सा तालाब था और उसके बीचों बीच एक चिकना सा पोल था, खम्भा था। तालाब में कई मेंढक रहते थे और उन्होंने ये तय किया कि एक दिन कॉम्पिटिशन रखते हैं कि जो इस पोल में चढ़ जाएगा सबसे पहले उसको इनाम दिया जाएगा और थोड़ा सा हमारा कंपटीशन भी हो जाएगा। तो वह कंपटीशन तय हुआ और यह हुआ कि सभी मीडिया हाउसेज, पत्रकार सभी इकट्ठे हो गए, लोग इकट्ठे हो गए। तो सबसे पहले वे मेंढक चढ़ना शुरू किए जो सबसे बलीन थे, ताकतवर थे। वो चढ़ते गए और वो इतना चिकना था कि बीच में गिरते गए, फिर से कोशिश करने लगे, फिर से वे तो लोग बोलने लगे कि ये इतना चिकना खंभा है कि इसमें कोई मेंढक कभी नहीं चढ़ सकता है। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया और भी मेंढकों ने कोशिश की, सब कोशिश करते जाते, नीचे से लोग बोलते जाते कि इस खंभे पे कोई नहीं चढ़ पाया। जब फलाना बलीन मेंढक नहीं चढ़ पाया तो कोई नहीं चढ़ पाएगा। फिर ऐसा बोलते गए, तभी क्या देखा कि एक पिद्दू सा छोटा सा मेंढक वो चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा। लोगों ने उसको बोलना शुरू कर दिया कि ये गिरेगा, ये गिरेगा, ये गिरेगा, लेकिन वो चढ़ता जा रहा था, वो चढ़ता जा रहा था और फाइनली वो जो है खंभे पे चढ़ गया। जब वो नीचे उतरा तो पत्रकारों ने उससे पूछा कि आपने यह कैसे कर लिया जब इतने बलीन लोग ऐसा नहीं कर पाए। तो उसका जो दोस्त था उसने बोला, इसे कुछ सुनाई नहीं देता है, ये बहरा है। तो मतलब जब समाज की बातों का असर उस पर नहीं हुआ, उसका एक ही उद्देश्य था उस पर चढ़ना, समाज की बातों ने उसे नहीं रोका तो वो चढ़ता गया और वो फाइनली चढ़ गया। जिन्होंने समाज की सुनी वो भले ही कितने ताकतवर रहे हों, वो जो है गिर पड़े। तो आपको भी समाज की नहीं सुनना है, आपको भी हकलाने को बाय बाय कर देना है, आपको भी हर कामयाबी हासिल करनी है, आपको भी ठीक होकर के जाना है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच थेरेपी कानपुर में आप हकलाने को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय कह सकते हैं। धन्यवाद। तो फिर आपसे मुलाकात होगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच थेरेपी कानपुर।